بسم الله الرحمن الرحيم. Hello guys. Today in this video we are going to plot different signal using MATLAB. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और जो हमारा टाइटल है The MATLAB program I have used in this video is already explained my previous lecture, video lecture. The link of this previous code is already given in the description of this video. If you miss my that lecture, you must go and watch that video. So as I already mentioned that we are going to plot different signal if you know the mathematical description. So chalein guys, hum start karte hain. Ab hum aa jate hain ye jis tarike se hame given ek waveform different nazar aa rahi hai jo ki humne plot ki bhi hai. इनको हम प्लॉट करेंगे यूजिंग मैटलैब और ये हमें इसकी जो डिस्क्रिप्शंस है वो हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन है. सबसे पहले जो हमें सबसे इसको अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि ये टेबल बेसिकली क्या एक्सप्लेन कर रहा है. इसमें जो फर्स्ट कॉलम है के का, ये बेसिकली आपको हार्मोनिक्स नंबर बता रहा है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1 2 3 का मतलब फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो उन हार्मोनिक्स की फ्रिक्वेंसी है. सर फंडामेंटल है तो उसकी फ्रिक्वेंसी 100 है, सेकंड जो है उसकी 200 है, 300 है और इसी तरीके से. हार्मोनिक्स बेसिकली आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि बेसिकली फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी. नेक्स्ट में उसका कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड दिया. ठीक है, तो बेसिकली हम करेंगे क्या, ये बारी बारी ये तमाम जो वेव फॉर्म्स है इनको हम प्लॉट करेंगे. ठीक है, और उनकी डिस्क्रिप्शन जो है ऑलरेडी यहाँ पे भी गिवन है और हम उसको मैटलैब में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम पहली वेव फॉर्म को देखें तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड हार्मोनिक को उसने प्लॉट किया तो वो आपको प्योर साइन वेव नजर आ रही. नेक्स्ट में उसने क्या किया, फोर्थ हार्मोनिक ऐड कर लिया, फिर फिफ्थ हार्मोनिक ऐड किया थर्ड फिगर में, फिर 16th हार्मोनिक और फिर 17th हार्मोनिक. तो सेम इसी तरीके से हम जो है इसको प्लॉट करें. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली मैटलैब खोलते हैं अपना प्रोग्राम और उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज देंगे. जब ये वैल्यूज हमें पता देंगे तो वो हमें ये डिफरेंट फॉर्म जो है वो प्लॉट करके देंगे. तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपने मैटलैब के कोड. ये कोड ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ, ये हम इस्तेमाल कर चुके हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला जिसमें हमें 200 फ्रिक्वेंसी गिवन थी तो मैंने यहाँ पे बेसिकली माई एन कॉज के नाम से फंक्शन को कॉल किया. अगेन उसकी फ्रिक्वेंसी 200 थी, कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड हमें गिवन था वो हमने यहाँ पे दे दिया. और क्योंकि उसमें डीसी कंपोनेंट मौजूद नहीं है, ए नोट को मैंने 0 कर दिया और यहाँ पे मैंने 7 दे, 7 का मतलब 7 साइकिल उसको प्लॉट. और जब आप एंटर करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको उसका प्लॉट लगा रहे. ये आपको उसका प्लॉट नजर आ रहा है जहाँ पे हमने. अब जो नेक्स्ट सिग्नल है, अब मैं जिस तरह आपके साथ दोबारा वो शेयर करता हूँ उसकी, तो नेक्स्ट जो सिग्नल है उसमें ने क्या किया, 400 वाला ऐड किया. और 400 वाला जब ऐड करेंगे तो उसका कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड क्या है, -44333 प्लस J10140024. तो हम ये कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड भी दे देंगे और ये फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर देंगे और फिर हमारे पास सिग्नल जो है वो सेम उसी तरह प्लॉट. ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो ये 200 आ गई हर्ट्ज और 400 आ गई और उनके कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड. जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंज आना शुरू. तो ये सेकंड हार्मोनिक हमने ऐड, फोर्थ हार्मोनिक है. इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट जो था फिफ्थ हार्मोनिक था 500 वाला वो ऐड करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर देखें आप देख सकते हैं 500 को ऐड किया और फिर 3 कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड आ गए. एंटर करेंगे तो यहाँ पर सेम उसी तरह वेवफॉर्म जो है चेंज होती जा रही. इसी तरीके से 16th हार्मोनिक हम ऐड करेंगे उसका भी कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड दे देंगे
और उसका भी ये हमने कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड दे दिया, फ्रिक्वेंसी ऐड कर ली यहाँ पे 16, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं अगर माई सिक्सटीन ऐड के बाद हम 17 ऐड करेंगे, ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दी वैल्यूज, कि मैंने वैल्यूज ऑलरेडी सेट करके रखी हुई थी, तो यहाँ से एंटर करेंगे तो ये 17 था। तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी वेव फॉर्म जो है बारी बारी के पहले आपकी फ्रिक्वेंसीज दे दी, उसके बाद उनके कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड दे दिया, फिर डीसी कॉम्पोनेंट है वो हमने एंटर कर। तो यूं हमने ये सारी की सारी वेव फॉर्म जो है वो प्लॉट कर ली, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो लास्ट जो फिगर है वो बेसिकली इसी से मिलती है लास्ट में, ठीक है। ये तो था हमारी फर्स्ट एग्जांपल कि अगर हमें सिग्नल जो है वो बेसिकली गिवन हो इन द फॉर्म ऑफ टेबलर, कि हमें फोरियर कोफिशिएंट निकाल के टेबलर फॉर्म में गिवन है, अगर हमारे पास लेट्स सपोज फोरियर कोफिशिएंट मौजूद है वो पीस वाइज फंक्शन, जिस तरीके से हम एक केस निकालते हैं फोरियर, तो इसमें फिर हम क्या करेंगे जिस तरीके से यहाँ पे गिवन है, तो ए के 1/j π k, ये हमें क्या फोरियर के कोफिशिएंट गिवन है, इसको सबसे पहले हम समझे कि भी के बेसिकली आपका हार्मोनिक नंबर, तो इसका मतलब है जिन के की वैल्यूज के ऊपर ये जीरो है वो सिग्नल हमारे वो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हमारे सिग्नल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और जिन के की वैल्यू पे हमारे पास वैल्यू जो है वो नॉन जीरो, इसका मतलब वो हमारे सिग्नल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो के की वैल्यू जीरो का मतलब है डीसी कॉम्पोनेंट, तो इसका मतलब इसमें डीसी कॉम्पोनेंट मौजूद है और ऑड हार्मोनिक्स ऑड हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अगर आपको गिवन हो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने इसका ड्राइव कर लिया इसकी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन अगर आप ड्राइव करें तो यहाँ पे देखें ये आपका 1/2 आ गया है, इसको अगर मैं 1/j π k को मैं लिख सकता हूँ 1/π k e^j π/2, तो फेज इसका -π/2 आ जाएगा और यहाँ पे 1/π k जो है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्योंकि वन साइडेड गिवन है तो दोनों साइड प्लस और माइनस का ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगा, तो यहाँ से हम हमेशा जब भी x को लिखेंगे तो डबल लिखेंगे, यहाँ पे अगर 2/π k की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2/π cos 2π f0, एफ नॉट क्या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है फर्स्ट हार, -π/2 उसका फेज, ठीक है, फिर k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 1/2/3π आ जाएगा, तो जिस तरीके से यहाँ पे हमने 2/3π लिखा है cos 2π, थर्ड हार्मोनिक 3f0 आ गया, p -π/2 फेज क्योंकि π/2 ही रहेगा, इसी तरीके से फिफ्थ हार्मोनिक और आगे सोन चलता रहेगा। तो हमने जो बेसिकली प्लॉट करनी है वो ये तीन वेव फॉर्म है, इसकी मदद से ये जिस तरह आपको नजर आ रही है, इसमें हमने जो पहली वेव फॉर्म अगर हम देखें तो उसमें क्या डीसी कंपोनेंट फर्स्ट और थर्ड हार्मोनिक, तो हम क्या करेंगे मैटलैब में डीसी कंपोनेंट देंगे, फर्स्ट हार्मोनिक देंगे और थर्ड हार्मोनिक, इसी तरह नेक्स्ट जो है वो क्या है फर्स्ट सेवेंथ हार्मोनिक तक उसको, और अगली जो है वो 17 तक, तो हम मैटलैब में बेसिकली इसी तरीके से इनकी वैल्यू दें। तो फॉर सिंपलिसिटी क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आपको टाइम पीरियड 0.04, तो 1/0.04 होता है आपका बेसिकली 25, तो एफ नॉट आपकी हो जाएगी कितनी 25, तो हम एफ नॉट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 25 लेते हैं, तो हार्मोनिक इसके क्या हो गए मल्टीपल, तो थर्ड हार्मोनिक अगर 25 मल्टीप्लाई 375, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज दें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसको क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पे पहली वेव फॉर्म तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर इसको किस तरीके से हमने करना है। मैटलैब पे गए, मैटलैब में जाएंगे यहाँ पे क्योंकि मैं नहीं हूँ, तो ये मैंने बेसिकली किया, फर्स्ट हार्मोनिक 25 आ गया, 75 थर्ड हार्मोनिक आ गया, 2/j × π ये पहले हार्मोनिक की कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड आ गया, 2/j × 3π थर्ड हार्मोनिक, डीसी कंपोनेंट मौजूद है तो वो 1/2 हमने लिख दिया, और 3 जो है वो बेसिकली आपके 3 साइकिल आ गए। जब मैं उसको एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास वो वेव फॉर्म जो है। अब नेक्स्ट जो थी वो हमारे पास क्या थी 17 तक थे, तो 17 तक हमने अगर इसको करने हैं तो 7 तक थे, 7 तो 7 का मतलब ये है कि हम यहाँ से एक कॉपी करें, पहले मैंने ये टाइप किए ताकि टाइप थोड़ी सी वीडियो
यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनी, ये आ गया पहले का कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, दूर थर्ड हार्मोनी का कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, फिफ्थ हार्मोनी का कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड और सेवंथ। तो जब आप इसमें एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वेवफॉर्म वही है जो कि अभी वहां पे नजर आ रही थी। तो सेम इसी तरीके से हम जब 17 तक देंगे तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक आ गया और फिफ्थ, और ये 17 तक गए। तो ये जब 17 तक गए हैं जो हम इसको एंटर करेंगे तो वेव फॉर्म में आपको ये चेंज नजर आए। तो यू गाइस हमने पीस वाइज या फोरियर कोएफिशिएंट की मदद से हमने अपने हार्मोनिक्स को स्क्वायर वेव को प्लॉट करके देख लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी, वो हम ले लेते हैं ट्राइंगुलर वेव फॉर्म की। तो आप कोई भी जिस तरह आपको गिवन हो वो यहाँ से आप बना सकते हैं। ट्राइंगुलर वेव फॉर्म है, अब ट्राइंगुलर वेव फॉर्म में आपको दिया हुआ है -2/π² × k² अगेन इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो आपको -2/π² × k² आ जाएगा, एंगल इसका 0 होगा। तो यहाँ से हमने ये बना लिया इसका 1/2 -4/π², ठीक है। फिर कॉज, क्योंकि 4 का मतलब ये डबल करेंगे ऑब्वियसली, इसको हमने डबल करना है ऊपर वाले एम्पलीट्यूड के, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। k की वैल्यू 1 है तो इधर पाई स्क्वायर आ जाएगा इंटू f2/f0 cos ई। नेक्स्ट जो k की वैल्यू हो जाएगी थर्ड, इसमें अगेन सेकंड, इसमें ऑड इवन हार्मोनिक 0 है तो सेकंड की जब k की वैल्यू थर्ड हार्मोनिक होगी तो यहाँ पे k की 9 आ जाएगा, तो 9π² / 4 आ जाएगा, इधर तो 3f0। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसकी जो दो वेवफॉर्म प्लॉट करनी है वो किस तरह है, वो ये वेवफॉर्म था। इसमें क्या किया इसने, फर्स्ट और थर्ड हार्मोन डीसी कंपोनेंट प्लस फर्स्ट और थर्ड हार्मोन ऐड किया। तो हम भी यही करते हैं कि यहाँ पर इसको सबसे पहले मैं मैटलैब पे आता हूँ, मैटलैब में सीएलसी किया, ये अपनी स्क्रीन को ख़त्म कर दिया। यहाँ से फिर मैंने, क्योंकि वीडियोज में हमने छोटी बनानी, इसलिए मैं इसको पहले से टाइप करके रखा हुआ है, कॉपी किया, मैं कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड इसको पेस्ट किया। यहाँ पे देखिए आपकी फंडामेंटल हार्मोनिक, पहले का आपका कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, उसका नेक्स्ट का आ गया 3 साइकिल देखने, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको वेव फॉर्म नजर आना शुरू। और सेम इसी तरीके से जब आप इसमें 7 हार्मोनिक तक, ये अगला जो था एलेवेंथ हार्मोनिक तक जाएंगे तो यहाँ पे आपको तमाम हार्मोनिक्स की हुई फ्रिक्वेंसीज और उनके कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, 11 का मतलब 121 आ गया कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड में, इधर 81 9th, 49 7th, 25 9 और फिर 1 आ गया। तो इसी तरीके से हमने ये तमाम 1, 2, 1, 3, 4, 5, 7, 9 और 11 एंटर करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ये वेवफॉर्म मिल जाएगी। तो ये आपको ट्राइंगुलर वेवफॉर्म जो है नजर आ रही है। तो आपको ये चीज़ पसंद आई होगी लेक्चर, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपने मेरी कोई वीडियो मिस कर दी है तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा। ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।